हेलो फ्रेंड्स, आइए आज लेसन 11 आर्यन प्रकाशन की बुक बाय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह इससे पढ़ते हैं। इसके पहले आपको 10 लेसन मैं पढ़ा चुका हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की सीरीज चल रही है। यह हर एग्जाम में आने वाले सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं, इसको आप ज़रूर देखिए। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप वोकैबुलरी एंटोनिम्स सिनोनिम्स के नाम से प्ले लिस्ट आप ज़रूर देख लीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप वीडियो पा सकते हैं पिछले। देखिए, पहला शब्द है एल्यूजन। एल्यूजन माने क्या होता है? किसी बात की ओर संकेत या इशारा या निर्दिष्ट निर्देश, अस्पष्ट उल्लेख, मतलब अस्पष्ट उल्लेख किया जाएगा, किसी बात की तरफ संकेत किया जाएगा, तो उसको कहते हैं एल्यूजन। इसका सारांश बात करें क्या क्या होगा, रिफरेंस, ठीक है। रिफरेंस माने होता है संदर्भ, या किसी चीज़ के संदर्भ बारे में संदर्भ देना, उल्लेख देना। हिंट माने संकेत, जान ही रहे हो इशारा या संकेत। सजेशन सुझाव या निर्देश। इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन माने भी होता है, वैसे तो निहितार्थ होता है इम्प्लीकेशन माने, निहितार्थ मतलब वही अस्पष्ट उल्लेख, उसमें कुछ निर्देश दिया गया। इन न्यूएंडो माने अस्पष्ट उल्लेख जो होता है। इंसिनुएशन का भी मतलब वही होता है, अस्पष्ट उल्लेख या परोक्ष संकेत जिसको कहते हो। इन्फ्यूजन, तो इन्फ्यूजन माने भी अस्पष्ट उल्लेख या संकेत, इशारा, ये सब होता है। अंतः प्रवाह भी होता है, इन्फ्यूजन माने सम्मिश्रण होता है, ये सभी इसके अर्थ है, ठीक है। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस माने इसे महत्व, मतलब कोई महत्व बताया गया है, मतलब इसे संकेत दिया गया, इशारा किया गया। कॉनोटेशन, तो कॉनोटेशन माने भी होता है अतिरिक्त मतलब, यानी कि उसका अस्पष्ट उल्लेख है कुछ किसी और की तरफ। इंडिकेशन माने संकेत जान गया। तो इसका बात करें कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स तो हो गया। एंटोनिम्स में कंसीलमेंट, अगर संकेत नहीं करा, उल्लेख नहीं करा, तो क्या करना है, कंसीलमेंट माने छिपाना, छिपाने की क्रिया, छिपा रहे हैं। सेक्रेसी माने को भी मतलब सीक्रेट माने रहस्य, रहस्य बना के रखे हैं। गोपनीयता जिसको कहते हैं सीक्रेट, रहस्यमय या गोपनीयता। इवेजन, इवेजन माने भी जैसे मतलब अस्पष्ट कथन या टाल मटोल, मतलब अस्पष्ट नहीं कर रहे हैं, अस्पष्ट कथन मतलब कह रहे हैं कि उल्लेख नहीं करना है, आप टाल मटोल करें। इवेजन माने इवेज, इवेड माने बचाना, उसी से बना इवेजन, मतलब बचा रहे हैं अपने आप को, टाल मटोल करें। रिजर्वेशन माने क्या होता है, आरक्षण, मतलब स्पष्ट बता नहीं रहे हैं, उसको रिजर्व करके रखे हैं, रिजर्वेशन में आरक्षण में रखे हैं। सप्रेशन माने इसके दबाने की क्रिया, मतलब बात को दबा दिए। कवर अप माने ढक देना। हाइडिंग माने छिपा लेना। डिस्गाइज माने वेश बदल लेना, बदल लेना मतलब क्या, असली वेश को छिपा लेना, यानी कि स्पष्ट ढंग से उल्लेख ना करना या इशारा ना करना, निर्देश ना देना। तो कवर माने ढकना। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लेग, कैमोफ्लेग माने भी होता है छद्म आवरण, मतलब कि क्या, असली वेश को छिपा लेना। हाइड वे माने छिपाना, जाने के प्राइवेसी माने गोपनीयता होती है, ठीक है। जैसे मोबाइल में प्राइवेसी लॉक लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये इसके क्या है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए। चलिए देख लेते हैं एल्यूजन अगला दूसरा शब्द। एल्यूजन माने क्या, भ्रम, मोह, धोखा, गलत फहमी, मिथ्या विचार, मरीच, क्या आत्मा, भूत, प्रेत, ये सभी इसके अर्थ होते हैं। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो फॉल्स बिलीफ, ठीक है, झूठा विश्वास, डिसेप्शन, धोखा, फॉल्स आइडिया, गलत विचार, फॉल्स परसेप्शन माने गलत ज्ञान, लेकिन वही गलत फहमी। ड्रीम माने स्वप्न, विजन माने सब, फैंटेसी माने कल्पना कर रहे हैं, यानी कि ठीक है, मिथ्या विचार करने वाले, लेकिन फैंटेज माने भी कल्पना होता। स्पिरिट माने क्या होता है, आत्मा होता है, आत्मा के हिसाब से स्पिरिट हो जाए। गोस्ट माने भूत होता है, गोस्ट। अपारिशन माने आत्मा, इसमें APPARITION होना। अपारिशन माने आत्मा। मेंस, ठीक है, तो मेंस माने भी होता है पितर या पित्त आत्मा, यानी कि पितात्मा। तो फैंसी माने कल्पना होता है, तो कल्पना में है मतलब मिथ्या विचार में, इस मरीज क्या जिसको। अब इसका एंटोनिम्स बात करें क्या होगा, इल्यूजन का एंटोनिम्स क्या होगा, रियलिटी माने वास्तविकता, जब मतलब भ्रम में नहीं है, गलत फहम में नहीं है, तो इसमें वास्तविकता में एक्चुअलिटी, वास्तविकता। फैक्ट माने तथ्य, यानी करेक्ट इन्फॉर्मेशन को तथ्य कहते हैं। आक्रंस में घटना, सर्टेनिटी, निश्चितता। मैटेरियलिटी माने भौतिकता। मैटेरियलाइजेशन माने भौतिक क्रिया। कॉर्पोरियलिटी, ठीक है, तो कॉर्पोरियलिटी माने भी वही होता है भौतिकता। कॉर्पोरियलिटी माने क्या होता है, भौतिकता। चलिए तीसरा शब्द देख लेते हैं, रॉबस्ट। रॉबस्ट माने क्या होता है, मजबूत होता है, हट्टा कट्टा होता, तगड़ा, जोशीला, बलवान, हष्टपुष्ट, कोई भी सख्त हो, कड़ा हो, मिला के, तो उसको कहते हैं रॉबस्ट। इसका सिनोनिम्स क्या है कि हेल्थी माने स्वस्थ, विगोरस माने क्या होता है, विगोरस माने भी होता है स्वस्थ या जोशपूर्ण एकदम। हेल माने मजबूत, हट्टा कट्टा, स्ट्रांग माने शक्तिशाली, स्टर्डी माने शक्तिशाली,
स्टालवार्ट, ठीक है, स्टालवार्ट माने विश्वासी होता है, साहसी है, शक्तिशाली। सिनुई, सिनुई माने क्या होता है, बलवान ताकतवर। लष्टी, वैसे लष्टी माने जो विलासी आदमी को लष्टी कहते हैं, लष्ट माने ठीक है कामुक विलासी, लेकिन लष्ट का एक अर्थ होता है जोरदार, ठीक है, तो जोरदार यानी कि वही ताकतवर शक्तिशाली। मस्कुलर, मस्कुलर माने क्या होता है, वैसे मस्कुलर माने मांसपेशियों वाला, तो जिसके पास मसल्स ज़्यादा रहेंगे तो यानी कि वो तगड़ा आदमी रहेगा, बलवान रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा। स्टाउट, ठीक है, स्टाउट माने भी बलवान या साहसी। एंडोरेंस की बात करें रॉबस्ट का, तो जो कम साहसी नहीं है तो क्या है, वीक, कमजोर है। फीबल माने दुर्बल, इनफर्म माने दुर्बल। देखिए फर्म माने क्या होता है, दृढ़ मजबूत, इन लगा देंगे उल्टा दुर्बल। फ्रेजाइल माने कमजोर, फ्रेल माने कमजोर, पानी, ठीक है। प्यूनी, प्यूनी माने भी होता है छोटा और कमजोर। डेबिलिटेटेड, डेबिलिटेटेड माने कमजोर एकदम, नर्वस माने परेशान। लैंग्विड माने क्या होता है, लैंग्विड माने एकदम सुस्त हो, निस्तेज हो, यानी कि उसके बाद शक्ति ही ना हो। तो ये इसके तीसरे शब्द के इंटरेंस हो गया। चलिए चौथा शब्द देख लेते हैं, इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव माने क्या होता है, कौतूहली, जिज्ञासु, सीखने का इच्छुक, आक्रामक, खोजने वाला, ये सभी इसके अर्थ होते हैं। अब देखिए क्यूरियस माने इच्छुक, ईगर माने इच्छुक, ईगर फॉर नॉलेज, ज्ञान का इच्छुक या सीखने का इच्छुक बात है। सर्चिंग माने भी मतलब सर्च माने तलाश करना, तो मतलब जो हमेशा तलाश करने करता रहे यानी सीखने के बारे में कुछ खोजता रहे, खोजने वाला, सर्च में खोजना भी, तो सर्चिंग माने खोजने वाला। स्क्रूटिनाइजिंग माने भी होता है खोजने वाला, ठीक है। और उसके बाद जो है प्राइंग, प्राइंग माने ताक झाक करना, मतलब ताक झाक कर रहा है किसी को, क्योंकि को कुछ जानने का इच्छुक है। इंक्वायरिंग माने पूछने वाला, यानी कि वही पूछेगा तो भाई कुछ ना कुछ वह जिज्ञासु रहेगा, ठीक है, तो जिज्ञासु भी हो गया। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव माने क्या होता है, हस्तक्षेप करने वाला या अनधिकार प्रवेश करने वाला, ठीक है। तो हस्तक्षेप जो करेगा मतलब वो आक्रामक रहेगा, अनधिकार प्रवेश कर लेगा वो, बिना अधिकार के प्रवेश करना। मेडल सब माने क्या होता है, हस्तक्षेप कर देना, मतलब ये भी हो गया आक्रामक या हस्तक्षेप करना। अग्रेसिव माने आक्रामक होता है। तो चलिए चौथे के बाद पाँचवा शब्द देख लेते हैं, हाँ चौथे का इंटेलिजेंस भी देख लेते हैं। इंटेलिजेंस आपका जो है रॉप, ठीक है, इनक्विजिटिव, ठीक, कौतूहली, कौतूहली, सीखने के इच्छुक, आक्रामक, खोजने वाला। इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट इसका होगा जो भाई सीखने के लिए इच्छुक नहीं रहेगा, ठीक है, कौतूहल नहीं रहेगा, आक्रामक नहीं रहेगा, तो क्या केयरलेस, सीखने के लिए इच्छुक नहीं है तो वो लापरवाह है। सपाइन, ठीक है, सपाइन माने उदासीन या लापरवाह, इस माने भी होता है नेग्लिजेंट, लापरवाह। इनडिफरेंट माने उदासीन, यानी कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, इच्छुक नहीं है सीखने का। बासफुल माने होता है लज्जापूर्ण, संकोची, मुँह चोर कहते हैं, अपना मुँह चुरा है लज्जा के मारे, तो बासफुल उसको कहते हैं, तो वो आक्रामक तो रहेगा नहीं, जो मुँह चोर रहेगा बासफुल रहेगा, लज्जाशील। बैकवर्ड माने क्या होता है, पिछड़ा, जो पीछे पीछे एकदम पीछे रहना चाहे तो वो तो आक्रामक है नहीं। नेग्लेक्टफुल माने क्या होता है, उपेक्षित, जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करें। तो ये चीज़ है। अब पांचवा शब्द है हमारा एसाइलम। एसाइलम माने होता है आश्रम, अनाथालय, शरण स्थान, शरण स्थल, ठीक है। अनाथालय जो होता है या आश्रम होता है, शरण स्थान किसी को जहाँ शरण मिल जाए स्थान को एसाइलम कहते हैं। सेनानिस होगा सेल्टर, सेंटर माने शरण होता है, शरण स्थल। रिफ्यूज माने शरण स्थल, सेफ्टी माने सुरक्षा या शरण स्थल, जहाँ सेंचुरी, सेंचुरी माने शरण स्थल। हैवन माने शरण स्थल होता है, देखिए हैवन स्वर्ग में एच ई ए रहता है, स्वर्ग की अंग्रेजी लेकिन ए रहता है, शरण स्थल। रिट्रीट शरण स्थल, होम माने घर, वैसे घर क्या शरण स्थल, ये हम कहीं से भी काम करके आते हैं तो घर पर आराम पाते हैं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल माने क्या होता है, आश्रम या शरण, हॉस्पिटल में मरीजों को शरण मिलती है, ठीक है उनका। मेंटल हॉस्पिटल माने मानसिक अस्पताल, तो ठीक है, तो ये भी अनाथालय को ही कहते हैं। अब देखिए हाँ, मेंटल मतलब मानसिक अस्पताल, मतलब कि मेंटल कहते हैं, ये मेंटल हो गया यानी पागल, पागलों का जो अस्पताल होता है इसको भी कहते हैं हम शरण स्थल। इंस्टीट्यूशन माने क्या होता है, संस्था, संस्था मतलब कोई भी संस्था रहेगी तो उसमें, ठीक है, तो वो आश्रम या संस्था उसको इंस्टीट्यूशन कहते हैं। छठवां शब्द है नीफेरियस। नीफेरियस माने अति दुष्ट, घृणित, जघन्य, नीच, पापी, अनैतिक, भ्रष्ट, निर्लज, बुरा, इन इसी तरह का आदमी जो है उसको नीफेरियस कहते हैं। सिद्धांत क्या होगा, एक्सट्रीमली बैड, एकदम अत्यधिक जो है बैड, विकेट माने दुष्ट। अनलॉफुल माने गैर कानूनी। इनपायस माने आप पवित्र, यानी कि वही जो पवित्र काम ना करें, नीच काम करें।
मीन माने तुच्छ होता है, हीनस माने जघन्य होता है, जिसके अंदर हीनस क्राइम जघन्य अपराध किए। विकेट माने दुष्ट, सिनफुल माने क्या होता है पापपूर्ण, पाप से पूर्ण यानी पापी। वाइल माने एकदम खराब, भ्रष्ट बुरा, वाइल मीन्स बुरा। वेश माने क्या होता है नीच होता है, वेश माने आधार, आधार कहाँ आता है नीच रहता है, वेश मतलब नीच। इमोरल माने अनैतिक होता है, करप्ट माने भ्रष्ट। सेमलेस माने निर्लज, विशियस, विशियस माने क्या होता है विशियस माने एकदम क्रूर होता है, जो अति दुष्ट होता है। एविल माने एकदम बुरा। वहीं बात करें निफेरियस के एंटॉनिम्स की, तो वर्चुअस जो जो मतलब कि घृणित नीच पापी नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा, वर्चुअस माने गुणवान सद्गुणी इंसान रहेगा, गुड माने अच्छा रहेगा, राइट माने सही इंसान रहेगा, राइटिस माने एकदम सहीपन जिसके अंदर हो, एकदम सही हो, ठीक है, यानी नैतिकता जिसके अंदर हो, मतलब कोई कमी ना हो, भ्रष्ट ना हो, इस तरह से सही हो। अपराइट माने भी होता बिल्कुल सही। मोरल, मोरल माने क्या होता है एकदम नैतिक आदमी, प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय। नोबल माने श्रेष्ठ, इनोसेंट माने, इनोसेंट माने निर्दोष होता है, मासूम होता है, राइट माने एकदम सही इंसान। अगला सातवां शब्द है पोरस, पोरस माने क्या होता है छिद्र, ठीक, छिद्रपूर्ण, जैसे पोर कहते हैं ना छिद्र, पोरस छिद्रपूर्ण, द्रव सोखने वाली, पानी सोखने वाली, इन सभी कोई भी चीज़ छिद्रपूर्ण रहेगी, द्रव सोखने वाली, पानी सोखने वाली, उसको हम पोरस कहते हैं, ठीक। तो ऑब्जर्वेंट माने छिद्र, ठीक है, सोखना, ऑब्जर्व माने सोखना होता, सूचित करना, तो द्रव सोखने वाली ऑब्जर्वेंट। परवियस माने भी वही पानी सोखने वाली, पर मेबल माने भी वही होता है पानी सोखने के लायक, यानी योग। पेनेट्रेबल माने भी होता छिद्रपूर्ण। हानिकॉम्ब माने वही होता है पानी सोखने वाली, पीटेड स्पॉन्ज, स्पॉन्ज लाइक, इन सभी का मतलब वही होता है द्रव या पानी सोखने वाली। बात करें टानम्स की, तो जो पानी नहीं सोखेगी तो उसको क्या कहें, इम परमिएबल। देखिए इसमें क्या है, परमिएबल का उल्टा क्या है, इम्परमिएबल। इम्परवियस देखिए, इम्परवियस तो परवियस का उल्टा इम्परवियस हो गया। इम्पेनेट्रेबल तो पेनेट्रेबल को उल्टा इम्पेनेट्रेबल होता है, ठीक है, यानी कि पानी ना सोखने, इन सभी का अर्थ होता है पानी ना सोखने वाले। टाइट माने एकदम कस हो, जो मतलब कुछ भी ना सोखे। प्रूफ माने क्या, प्रमाण होता है। सील्ड माने, सील्ड माने एकदम बंद हुआ, मतलब इसमें पानी ना जाए। रेसिस्टेंट माने रोकने वाला, मतलब वो सोखे ही नहीं, रोक देगी। इम्पॉसिबल माने भी वही रोक देने वाला। हर्मेटिक माने भी वही होता है, सबका एक ही अर्थ है, पानी ना रोकने वाली, द्रव ना सोखने वाली, पानी ना सोखने वाली, पानी ना सोखने वाली या द्रव ना सोखने वाली जिसमें छिद्र ना हो। देखिए आठवां शब्द है आपका डिस्परेडो। डिस्परेडो माने कितना, साहसी, अपराधी, दुस्साहसी, अपराधी, दुराचारी, अपराधी, उजड्ड आदमी, पागल आदमी, आता था निराश व्यक्ति, यानी कि जो एकदम दूसरों को परेशान कर रही है, ऐसा साहसी है तो है लेकिन वो दुस्साहसी अपराधी है, गलत कार्यों में अपना साहस दिखाया, तो उसको कहते हैं, इसका सारांश डिस्परेडो का होगा क्रिमिनल, आउटला, ठीक है, क्रिमिनल लेकिन अपराधी। आउटला माने कानून से एकदम बाहर, अपने आप को रख लिया, कानून का पालन नहीं कर रहा था, ताई हो गया। राफियन माने क्या था, बदमाश, कुर्जट आदमी, गुंडा। गैंगस्टर, ठीक है, गैंगस्टर माने भी होता है, गैंगस्टर माने भी होता अपराधी, ठीक है, अपराधी जैसे दुराचारी अपराधी। ठग, ठग माने भी वही अपराधी। हुडलम अपराधी, बैंडिट माने लुटेरा एकदम, जो इस तरह से अपराधी हो। मगर, ठीक है, माने भी वही दुस्साहसी एकदम, आता था। कट थ्रोट, कट माने काटना, थ्रोट माने गला, गला काट ले इतना ज़्यादा हुआ था, ताई हो गया, उजड़ आदमी हो गया, दुराचारी हो गया, ठीक है। ब्रिगेंड, ब्रिगेंड माने भी वही होता है दुराचारी, दुस्साहसी। गनमैन माने भी दुस्साहसी, हल्ला ब्रकर माने कानून को तोड़ने वाला, यानी कि इस तरह से आता ताई हो गया। फीलन माने भी वही होता है अपराधी, डिलिंक्वेंट माने अपराधी, कल्प्रिट माने अपराधी होता। चलिए बात करें नवा शब्द टेरिबल है। टेरिबल माने भयंकर, भयानक, डरावनाक, खौफनाक, भयंकर, प्रचुर, बहुत अधिक, अप्रिय, अरुचिकर, बहुत अधिक, ऐतराज के काबिल, भद्दा, ये सभी इसके अर्थ। इसका सारांश होगा एवफुल, एवफुल माने होता भयानक, डेडफुल, भयानक, फियरफुल, भयानक। फार्मिडेबल माने भी होता है, ठीक है, इस तरह से फार्मिडेबल माने भी बहुत ज़्यादा जो ऐतराज करने के काबिल हों। एक्सट्रीम माने क्या था, बहुत अधिक, ठीक है। डिसएग्रीएबल माने अप्रिय, जो अच्छा ना लगे। अनप्रेजेंट माने अप्रिय, जो अच्छा ना लगे, अरुचि। ऑब्जेक्शनेबल माने ऑब्जेक्शन करने के योग्य हो, जो, ठीक है, आपत्ति करने के योग्य। फ्राइटफुल माने डरावना, हॉरिबल माने डरावना, हॉरिफाइंग माने डराने वाला। टेरिफिक माने भयानक होता है, शॉकिंग माने जो आश्चर्यचकित करने वाला। बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स मतलब हार्मलेस होता है, हानि रहित, हेल्पलेस माने असहाय, फीबल माने कमजोर, वीक माने कमजोर, पाल्ट्री माने एकदम तुच्छ, कमजोर। ट्राइवियल, ट्राइवियल माने क्या होता है, ट्राइवियल मतलब होता है
तुच्छ होता है, ठीक है। ट्राइवियल माने तुच्छ, जैसे ट्राइवियल से ट्राई वह माने रास्ता, तीन रास्ते पर बहुत लोग कहते हैं ना अनइम्पॉर्टेंट बात होती है, वह गलत ही होता। अच्छा तो ट्राइवियल माने तुच्छ या अनइम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक, ठीक है, इंसान ना हो, मतलब कि बहुत अधिक ना हो, जो मतलब कि तुच्छ बातें हो, छोटी मोटी चीज़ों। एग्रीएबल माने सुखद होता है, प्रिय होता है। प्लीजेंट माने सुखद होता है या प्रिय होता है। प्लीजिंग माने खुशनुमा या प्रिय होता है। तो इस तरह से आप प्रिय या पॉजिटिव में। लास्ट वर्ड है विश्लेषण का डिस्परेट। डिस्परेट माने क्या होता है, बहुत इच्छुक, आशाहीन, बहुत खतरनाक, असाध्य, बहुत गंभीर, बहुत बुरा, स्तब्धकारी, ये सब इसके अर्थ होते हैं, ठीक है। तो वेरी डिजायरस माने बहुत इच्छुक हो गया। हेल्प होपलेस माने असहाय, आशाहीन या असहाय। वेरी डेंजरस बहुत खतरनाक। वेरी सीरियस माने बहुत गंभीर। और ऑडेसियस माने क्या आता, साहसी, बहुत साहसी हो जो हो, इस तरह से, ठीक। और फ्यूरियस माने क्या होता, भयानक होता है। एक्सट्रीमली वाइड माने अत्यधिक बुरा। इनटॉलरेबल माने आसानी। वेरी शॉकिंग माने बहुत आश्चर्यजनक, ठीक है, या बहुत अस्तब्धकारी। शॉक मतलब आहत पहुंचाने वाला। डेयरिंग माने साहसी। वाइल्ड माने, वाइल्ड माने क्या होता है, वाइल्ड जंगली होता है, ठीक है, या बेकाबू, जो किसी के काबू में ना रहे। और फ्यूरियस माने क्या होता है, भयानक। रैश माने जल्दबाज, ये सब इसके इससे रिलेटेड वर्ड हैं। इसके एंटारेंस की बात करें तो कूल, कूल माने शांत होता। क्वाइट माने शांत। काम माने शांत। पीसफुल माने शांत। तो जो एकदम आता मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं रहेगा, साध्य नहीं रहेगा, सत्कार नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, कैसा इंसान रहेगा, खतरनाक नहीं रहेगा, तो शांत रहेगा, कूल, क्वाइट, काम, पीसफुल रहेगा, होपफुल, आशावादी रहेगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंट माने क्या, विश्वास से भरा हुआ रहेगा। सेटिस्फाइड संतुष्ट रहेगा। कंटेंटेड माने भी होता है संतुष्ट। तो ये थे आज के वीडियो के 10 शब्द। इसके बाद आपको अगला चैप्टर बता पढ़ा जाएगा, चैप्टर नंबर 12। तो इस तरह से आप एक चैप्टर पढ़ते रहिए और दोहराते रहिए। कहने के लिए 10 शब्द रहते हैं, लेकिन 10 शब्द नहीं, कम से कम 200 से अधिक वर्ड रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर डेली सेशन देखा करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि सबका भला हो सके, सब अपना वर्ड पावर मजबूत करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।